खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी फैशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलाई से जुड़े अपना चौथा स्टेप आज हम लेकर आ गए हैं। तो अभी तक हमने तीन स्टेप देखे हैं, तो तीन स्टेप में क्या क्या देखा है वो हमने लिंक जो है हमारी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अभी हम चौथा स्टेप जो दिखाने वाले हैं उसे आप एकदम बारीकी से और एकदम पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि मशीन की सेटिंग कि बॉबिन जो होता है वो हम डब्बी में किस तरीके से डालते हैं, शटल में डब्बी को किस तरीके से फिटिंग करते हैं, वो सारी बातें हम बॉबिन जो होता है हमारा डब्बी में डालते हैं उससे किस तरीके से भरा जाता है और वो भरने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो बारीकी चीज छोटी छोटी बातें हैं वो हम आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप एक जो है वो सब वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप सीख सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन का यहाँ पर किस तरीके से बॉबिन भरा जाता है वो देख लेते हैं। तो बॉबिन भरने के लिए यह है हमारा बॉबिन। तो ये बॉबिन भरने के लिए हम खास करके एक ध्यान रखेंगे, तो ये जो बॉबिन है वो डब्बी के अंदर फिट होगा। ये है डब्बी, डब्बी इस तरीके से आती है और यहाँ पर इस तरीके से फिट होती है। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि हम जब बॉबिन ये जो बॉबिन है इसको हम भरते हैं तब हम इसमें इस तरीके से ज़्यादातर तो लोग कील है या कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से भरते हैं। भरने में तो यहाँ पर आसानी से आप भर दोगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो घिस जाएगा और यहाँ पर जो है वो एकदम धार बन जाएगी। एकदम ये जो है धार बनने के बाद ये नोक जो है एकदम तेज हो जाएगी। फिर यहाँ से हम धागा डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, तब यहाँ पर जो तेज हो जाएगा ये वाला हिस्सा तो धागे को काट देगा, इसलिए हमें इस तरीके के टूल्स का या किसी का उपयोग नहीं करना है। अगर हमारे पास ऐसा मशीन नहीं है, छोटा मशीन है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। अगर ऐसा मशीन है उसमें हम दो तरीके से धागा को बॉबिन के अंदर डाल सकते हैं। एक तो ये वाला जो है यहाँ से हम भर सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से भर सकते हैं वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और एक यहाँ पर ये जो कील जैसा आपको दिख रहा है वो यहाँ पर फिटिंग करने का स्पेशली आता है, तो ये भी आप फिटिंग कर सकते हो। तो ये वाला यहाँ पर इस तरीके से फिट हो जाएगा और ये जब चलेगा तब यहाँ पर धागा जो है वो एकदम भरेगा, वो भी हम बताएंगे किस तरीके से भरता है। और लेकिन हमारे पास छोटा मशीन है और बड़ा मशीन ये वाला नहीं है, अगर छोटा मशीन है तो हम छोटा मशीन में किस तरीके से धागा भरते हैं उसके लिए हम ये टूल्स का यूज़ करेंगे। ये वाइंडर है, ये वाइंडर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से इसमें फिटिंग होता है और इसी को हमें घुमाना है, तो ये भी घूमेगा साथ में, तो धागा की आराम से आप ये जो बबेन है उसके अंदर धागा भर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें धागा किस तरीके से भरा जाता है। तो जो छोटा मशीन रहता है इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे स्क्वायर में नहीं रहता है, सपाट नहीं रहता है, यहाँ पे राउंड रहता है। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें ये भी राउंड है, तो वो जो राउंड वाला भाग हिस्सा है उसमें ये वाला बैठ जाएगा लेकिन इसमें नहीं बैठेगा। फिर भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से धागा को भरते हैं। और तीनों हम चीज़ें हम देख लेते हैं, अगर ऐसा वाला मशीन है तो ये भी फिट कर सकते हैं, ये भी फिट कर सकते हैं और इससे भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें भरने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अभी हम आपको सबसे पहले छोटा मशीन में इसमें किस तरीके से धागा भरते हैं वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धागा हमने यहाँ पर रखा हुआ है, एक्सटेंड यहाँ पर है, यहाँ पे भी हम ये जो है धागा वो रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बड़े कोन रहते हैं इस तरीके के, अगर बड़े कोन हैं हमारे पास तो यहाँ से ये जो भाग है वो यहाँ घूमेगा नहीं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से डालते हैं।
और फिर यहाँ से यहाँ पर हम धागा डालेंगे और वहाँ से फिर इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धागा अपने आप ही सीधा इधर से आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम खींचेंगे तो यहाँ से धागा जो है निकलता जाएगा इस तरीके से। तो अभी हम इसमें से धागा इससे किस तरीके से भरते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ में रखेंगे और 4, 5, 6, 10 आंटी इस तरीके से हम लगाएंगे और अभी इसमें फिटिंग करेंगे इस तरीके से एकदम फिट कर देंगे। और ये वाला जो धागा है वो ऊपर से जा रहा है तो ऊपर से जाना चाहिए, नीचे से जाएगा तो आप नहीं भर पाओगे। अभी हम मशीन स्टार्ट कर देते हैं, पर अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन हम भर के दिखाएंगे। तो ये जो धागा है वो हमने किस तरीके से भरते हैं वाइंडर से वो हमने देख लिया, इस तरीके से भरते हैं एकदम फिनिश, ढीला नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है और इस तरीके से हम भरते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ से भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर, तो यहाँ पर जो ये हमने ऊपर रखा है उससे हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से सिर्फ हमें यहाँ से ही पकड़ना है, तो इस तरीके से हम भर सकते हैं। और इसमें भी यही सेम प्रोसेस है लेकिन ये वाला जो धागा है ये ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ से हमने फिटिंग कर दिया अभी यहाँ से, और अभी हम मशीन चलाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से धागा हम भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस ऐसे ऐसे घुमाना है ताकि ये जो एक एक ही जगह पे इकट्ठा धागा नहीं हो जाए, पूरे में एक से जैसे ही भरे, इसलिए इस तरीके से। अभी हमने तीनों तरीके से किस तरीके से धागा भरते हैं वो हमने देख लिया, और अब हम धागा के जो डब्बी है उसके अंदर किस तरीके से फिटिंग करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक यहाँ पर तीरा नजर आती होगी ये वाली, तो वो है, और उसके बाद एक यहाँ पर पॉइंट है, होल है, छोटा सा होल है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो है इस तरीके से अंदर डालेंगे, धागा हम अपने हाथ में रखेंगे और ये तीरा में से धागे को पास करेंगे और यहाँ पर एकदम पतला ब्लेड जैसा है तो उसके अंदर से हम इस तरीके से धागा जो है वो हम निकाल लेंगे। और अभी ये यहाँ से हम धागा निकालेंगे इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो धागा है हमने बबिन है और डब्बी में एकदम सही से फिट कर दिया है। तो अभी ये वाला जो है ये हमारा शटल है, शटल के अंदर यहाँ पर एक नोक जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कील जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। तो अभी अभी ये जो डब्बी हमने तैयार किया है कहाँ से किस तरीके से धागा निकलते हैं वो हमने देख लिया। तो ये खास ध्यान रहा है यहाँ पर इतना लंबा धागा रहना चाहिए, अगर छोटा सा होगा तो दिक्कत आएगी। तो ये जो डब्बी है इसको हम ये वाला हिस्सा जो है ये वाला वो हम ये जो नोक है उसमें ये वाला हिस्सा ये इसमें हमें ठसाना है तो वो हिसाब से ही हम रखें। और एक खास ध्यान रहे जब भी हम ये डब्बी इस शटल के अंदर फिटिंग करेंगे तभी सुई जो है हमारी यहाँ से हमें ध्यान रखना है ऊपर ही रखनी है, नीचे नहीं रखनी है। अगर नीचे होगी तो ये फिटिंग नहीं होगा और सुई भी टूट जाएगी और शटल का जो सेटिंग है वो भी बिगड़ने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले ये डब्बी किस तरीके से फिटिंग करते हैं एक बार फिर से बारीकी से आप देख लीजिए। ये डब्बी सही से फिट नहीं होगी तो ये चक्कर जो हमारा है वो भी घूम जाएगा तो फिर एकदम ही बिगड़ जाएगा। तो एक खास ध्यान रहे कि ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर ही रहे। तो इस तरीके से हम डब्बी को फिटिंग करेंगे। अभी जब हम फिटिंग करते हैं तब एक खास ध्यान रखना है, अभी जब तक इसमें एक आवाज़ आएगी वो आपको आवाज़ सुनाई देगी, अगर आवाज़ नहीं आती है तो समझ लेना कि अभी तक डिब्बी हमारी जो है वो मशीन
के अंदर सही से बैठी नहीं है। देखिए अभी आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा, वो अगर आवाज़ आए तो ही समझना कि ये डब्बी हमारी एकदम सही से बैठ गई है। और उसको निकालना हो तभी भी इस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से इसको पहले बाहर निकालते हैं और फिर यहाँ ऐसे निकालेंगे, ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं फिटिंग करके आवाज़ किस तरीके से आती है। तो ये सही से बैठ गई है। अब हम इसे, ये जो धागा है यहाँ पर, इसे हम ऊपर किस तरीके से लाते हैं वो देख लेते हैं। सुई में धागा किस तरीके से डालते हैं, तो सबसे ये पहले ये वाला जो धागा है यहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ से, ये जो हमने डबल धागा इसलिए किया है कि आसानी से यहाँ पर आ जाए। और इसके बाद हम ये वाला जो हिस्सा है उसको इस तरीके से, ये जो दिख रहा है आपको स्प्रिंग, वो हमें इस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ से फिर हम इस तरीके से निकालेंगे। और अब हम ये वाला जो भाग है यहाँ पर धागा डालते हैं। यहाँ पर डालने के बाद, और अभी लास्ट में हम सुई में डालते हैं। सुई में हम इस यहाँ से डालेंगे, यहाँ से हम नहीं डालेंगे। तो ये सुई में हमने धागा डाल दिया। अब हम ये वाली जो चाप है उसे हम नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे। और अभी यहाँ से एक हाथ से ये आटा घुमाएंगे, तो ये हमने नीचे का जो धागा था वो ऊपर किस तरीके से आता है वो देख लिया। तो ये दोनों धागा जो इस तरीके से आएंगे तभी सिलाई लगेगी। तो थोड़ी सी हम सिलाई लगा के देख लेते हैं। कभी भी हम कपड़े में सिलाई लगाते हैं तब इस तरीके से डबल कपड़ा करते हैं, सिंगल कपड़े में नहीं लगाएंगे। तो ये वाले जो सिलाई है वो एकदम परफेक्ट हमने लगा ली है। अब ये जो सिलाई है किस तरीके से सीधी सिलाई हम लगा सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी ने सीख लिया कि किस तरीके से बबिन भरा जाता है, बबिन को डब्बी के अंदर किस तरह से फिटिंग किया जाता है, बबिन को किस तरीके से भरते हैं और शटल में डब्बी को किस तरीके से फिट करते हैं, और सिलाई लगाने से पहले क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, वो सब आपने आई ये वीडियो में देख लिया है। वे आगे के वीडियो में हम सिखाएंगे सिलाई किस तरीके से एकदम सीधी जो सिलाई लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, तो वो पाँचों स्टेप में देखेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स को ये वीडियो पहुँचाइए। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता है, इसलिए हमने ये पहल की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स जो है वो ये सब बातें और ये सब जान सके। ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स है वो हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स किस तरीके से देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स तक ये वीडियो को पहुंचाने के लिए आप शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं पांचवें स्टेप के साथ।